Switch statement, write a C program which will implements operations like a calculators. इस केस में currently 4 arithmetic operations manage करेंगे, arithmetic addition, arithmetic subtraction, multiplication and division. We are going to implement only 4 arithmetic operations. इस केस में runtime पर enter कराएंगे some inputs from a user. इस केस में total number of required inputs क्या है, सबसे पहले required क्या है, some operand means operand 1 or value for operand 2 is like x or y, means addition, subtraction, multiplications, every operations perform kiske regarding honge with respect to some operands as x, y, plus in se finally generate kya hua, sabhi operations ke case mein generate kya hua results, result ko store karane ke liye required kya hua some extra variable as result like that. इस केस में सबसे पहले इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 इनपुट्स x एज y, सेम इनके रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करेंगे एज अ रिजल्ट. वन मोर थिंग्स, रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड क्या कराएंगे, समथिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, टोटल 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं इस केस में. इन दैट केस ऑपरेटर्स को कंसीडर करेंगे एज अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर. फाइनली इस केस में 4 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, रिजल्ट x, y एंड कैरेक्टर इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करेंगे सेपरेट वेरिएबल लाइक कैर ch और ऑपरेशंस. टोटल 4 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, आउट ऑफ देम 3 वेरिएबल्स ऑफ like a x, y and something result, integer types, one extra variable as character types like operators. Then सबसे पहले read क्या कराएं, means चाहे addition perform कराएं या subtraction या multiplication या divisions, at least inputs कितने required हैं, 2 inputs और 2 numbers दोनों ही cases में, इसलिए सबसे पहले enter कराएंगे, enter 2 number ports, enter 2 numbers or enter value for x and y using scanf functions. Scanf के through 2 integer types के value read कराना, इसलिए total number of format specifier supply करेंगे 2 times, ampersand of x, ampersand of y. Finally value read कराने के just one next one, then users के लिए operation display कराएं, operational panel as menu bar display कराने के लिए सबसे पहले इसको arrange करने के लिए इस कुछ फॉर्मेट अरेंज कराएं लाइक दैट, दिस इज मेन्यू और टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक दैट. एंड फर्स्ट प्लेस 1 मींस अगर एडिशन परफॉर्म कराना है, एडिशन के लिए ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशंस के लिए मल्टीप्लाई, यूजर्स के लिए गाइडलाइंस डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे प्लेस 1 मींस प्लस 4 एडिशंस, प्लस किसके, प्लस के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे एज एडिशन ऑपरेशंस. देन सिमिलरली पोर्ट्स प्लेस माइनस 4 सबट्रैक्शंस, सिमिलरली पोर्ट्स एस्टेक और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लिकेशंस. Then finally ports division slash 4 division, total 4 types के possible operations होंगे. Then finally enter your choice, final enter your choice. Printf के place पर use करें ports function, because इस case में slash and manually write करने की जरूरत नहीं, enter your choice, possible choices are plus, minus, multiplication or divisions, closing of printf. Finally scanf, choice read करने के लिए use क्या करें scanf. इन scanf से just पहले apply करेंगे std in, same case already discuss कर चुके हैं, जब भी आप integers के बाद single character read कराओगे, buffer के अंदर already कुछ unread characters अभी लो, unread characters को flush करने के लिए use करेंगे f flush functions, f flush बफर नेम एज std in, इसका रीजन ऑलरेडी कंसोल ऑपरेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं. देन चॉइस ch इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शंस, मींस सिंगल कैरेक्टर के लिए बेस्ट सूटेबल फंक्शन कौन सा है,
गेट केयर फाइनली चॉइस रीड करने के जस्ट बाद देन इंप्लीमेंट क्या करेंगे स्विच केस। तो स्विच केस के रिस्पेक्ट में टोटल पॉसिबल केस कितने होंगे 4 केसेस प्लस इनपुट कैरेक्टर टाइप का है, मैं सेम प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ पैरेलली, देन फाइनली स्विच। स्विच के केस में सप्लाई क्या करना है वैल्यू ऑफ सी एच, इसका वैल्यू सी एच में साइन कर लेते हैं, इस वेरिएबल को रीनेम कर लेते हैं करेंगे एज अ सी एच, इस कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल स्विच सी एच। सी एच के केस में फर्स्ट पॉसिबल केस क्या हुआ मे बी इफ वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर प्लस, सी एच का वैल्यू प्लस के इक्वल एंड देन परफॉर्म क्या कराएंगे इस केस में एडिशन, मीन्स रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन ब्रेक स्टेटमेंट। अदर पॉसिबल केस क्या होंगे इफ वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल इक्वल टू कैरेक्टर माइनस, माइनस के केस में परफॉर्म कराएं रिजल्ट इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन अगेन यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच। सेम एज केस थ्री, केस थ्री के केस में पॉसिबल ऑपरेटर कौन सा मे बी मल्टीप्लीकेशन, रन टाइम पर ऑपरेटर है चॉइस का वैल्यू मल्टीप्लाई एंटर किया देन इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, देन अगेन यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। देन फाइनली केस फोर, केस फोर के केस में मीन्स अगर ऑपरेटर का टाइप क्या है डिवीजन, डिवीजन है देन इस केस में परफॉर्म कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट, अगेन ब्रेक। नेक्स्ट वन सपोज दैट अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट केस में परफॉर्म कराएंगे एडिशन ऑपरेशंस, इस केस में परफॉर्म क्या कराऊँ रिजल्ट इक्वल्स टू अगेन एक्स प्लस वाई, एडिशन इज वी आर कंसीडरिंग एज अ डिफॉल्ट ऑपरेशन, देन क्लोजिंग ऑफ स्विच एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट डी, रिजल्ट के केस में वैल्यू डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल प्रोग्राम।